नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 4K Tech पे। और आज मैं आपके लिए लिख रहा हूँ एक और वीडियो। बेसिकली आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या WhatsApp की जो नई प्राइवेसी पॉलिसीज आई है उसके बाद क्या हमें WhatsApp को इंस्टॉल मार देना चाहिए या किसी दूसरे एप्लीकेशन का यूज करना चाहिए या फिर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आज इस वीडियो में सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि WhatsApp की जो नई प्राइवेसी पॉलिसीज़ हैं वो आ चुकी है और उसमें स्पष्ट अंकित है कि हम आपकी जो वीडियो चैट है या फिर आपकी जो पर्सनल चैट है उस सारी चैट्स को यूज करेंगे अपने प्लेटफॉर्म को बिल्ड करने के लिए, अपने प्लेटफॉर्म को बेहतर बनाने के लिए। साथ ही साथ आपकी जो डेटा है, आपका जो डेटा हम लेंगे उसे हम फेसबुक के साथ भी शेयर करेंगे और साथ ही साथ आप समझ सकते हैं कि इस डेटा को इंस्टाग्राम के साथ भी शेयर किया जाएगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक और साथ ही साथ व्हाट्सएप का जो डेटा है उस तीनों डेटाओं को कंबाइन करके अभी जो तीनों प्लेटफॉर्म हैं उनको बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। और साथ ही साथ ये जो ऐड आप देखते हैं उनको ऐड को सर्कुलेट किया जाएगा कि आपकी दिलचस्पी किस में है। जैसे ही आपने देखा होगा अक्सर कि आपने जब भी कभी किसी वेबसाइट पर, ई कॉमर्स वेबसाइट पर जैसे कि अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, वहाँ पर जाके किसी चीज़ को सर्च किया और आपने देखा कि मुझे एक शूज़ खरीदने हैं या कुछ और खरीदना है, तो आप जस्ट ही 1 सेकेंड जैसे ही आप फेसबुक पे आते हैं तो आपको फेसबुक की सर्च में कहीं ना कहीं आपको शूज का एडवर्टाइजमेंट जो है वो देखने को मिल जाएगा, या फिर आपको स्क्रॉल करते हैं तो जो फ्लिपकार्ट है उसका ऐड आपको मिलेगा। ऐड नहीं मिलेगा तो सीधी उसकी पोस्ट आपको देखना शो हो जाएगी। मतलब से आप समझ सकते हैं कि आपकी प्राइवेसी तो पहले से ही व्हाट्सएप और फेसबुक या फिर हम कहें इंस्टाग्राम, इन सारी चीज़ों की जो पहुंच है वो पहले से कंपनी के पास है और कंपनी इस चीज़ को पहले से यूज करती है। लेकिन अभी कंपनी ये जो कुछ है बड़े लेवल पर लेकर आई है और वो बताना चाहती है कि हम तुमको जो है सारी प्राइवेसी पॉलिसीज है हमारी वो हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं ताकि आप हमें बाद में कोई प्रॉब्लम क्रिएट न करें। एक्चुअल में क्या है कि आपकी ये सारी चीज़ें हैं वो पहले बाहर से आपसे कह भी सक रही हैं कि हम ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन भाई वो पहले से ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आप कभी भी इस चीज़ को ट्राई करके देख सकते हैं कि आप फ्लिपकार्ट पे जाइए, अमेजोन पे जाइए, जस्ट आप कुछ देर बाद व्हाट्सएप पे आ जाइएगा या फिर आप आ जाइएगा जो है फेसबुक पर, तो आप देखेंगे कि आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाई दे रहा है, या फिर आप सीधा गूगल पे सर्च कीजिए अपने फ़ोन्स के अंदर तो आप समझ जाएंगे। क्योंकि जो व्हाट्सएप है वो आपकी देखिए एड आईडी से लेकर आपके अकाउंट की आईडी, आपका आईपी एड्रेस, मतलब आपका जो बहुत कुछ इन्फॉर्मेशंस होता है, आप यहाँ पर एक चार्ट देख सकते हैं कितनी सारी इन्फॉर्मेशंस हैं जो आपसे ली जाती। अब बात करते हैं कि क्या हमें किसी दूसरे एप्लीकेशंस के साथ रुक करना चाहिए, जैसे कि बातचीत चल रही है टेलीग्राम की या फिर सिंगल ऐप की। तो यहाँ पर मैं बात करूँ सिंगल ऐप की, तो सिंगल ऐप वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इसकी जो चीज़ है वो ये है कि ये आपसे किसी भी प्रकार की कोई भी डेटा को शेयर नहीं करता है, मतलब आपकी किसी भी प्रकार की कोई परमिशंस नहीं मांगता है सिवाय आपके नंबर के। मतलब जो आपका जो क्लाउड है वो ये अपने क्लाउड पे नहीं रखते हैं, आपके फ़ोन्स के अंदर ही रखते हैं, इसीलिए ये आपसे किसी प्रकार की परमिशंस नहीं लेते हैं। जब आप किसी को कोई फाइल सेंड करते हैं तो बस आपसे इसीलिए परमिशंस मांगी जाएगी कि आप अपने स्टोरेज का एक्सेस हमसे दे दीजिएगा ताकि हम आपकी जो फाइल्स है उसे दूसरे यूजर तक पहुंचा दें। तो यहाँ सबसे सिंगल्स की अगर बात की जाए तो सिंगल वन ऑफ द बेस्ट अगर एप्लीकेशंस की बात की जाए तो वो है अगर मैसेजिंग के बारे में बातचीत करें तब। लेकिन यहाँ पर आपको व्हाट्सएप जैसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि देखने को नहीं मिलेंगे, जैसे कि आप स्टेटस नहीं लगा सकते, लेकिन बाकी अगर बात की जाए कि आप चैट कर सकते हैं, वीडियो कॉल्स कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको सिंगल ऐप पर मिल जाएंगी। साथ ही साथ आपकी जो चैट है वो इनक्रिप्टेड रहे, आपकी वो वीडियो कॉल हो चाहे वॉइस कॉल हो चाहे आपकी नॉर्मल टेक्स्ट चैट हो, तो इनको जो फंडिंग है या फिर इनके जो काम करने वाले डेवलपर हैं उनको सैलरी वगैरह कहाँ से मिलती है। तो दूसरी चीज़ यही आपको क्लियरली समझ लेनी होगी कि इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है या फिर इनकी जो पूरे डेवलपमेंट का जो कार्य चलता है वो डोनेशन पे चलता है, जैसे कि उसका टेलीग्राम का चलता है। लेकिन टेलीग्राम का क्या है कि क्लाउड है उनका, एक वो क्लाउड जो है चलाते हैं जो कि प्राइवेट कंपनीज के अंडर है, और जैसे कि व्हाट्सएप का होता है, मतलब वो सारा डेटा जो है एक क्लाउड में सेव होता है, चाहे वो व्हाट्सएप का है और चाहे टेलीग्राम का है। लेकिन आपके सिंगल एप्लीकेशंस के साथ ऐसा नहीं होता है। सिंगल ऐप जो है वो आपके डेटा को आपके फ़ोन के अंदर ही सेव करता है, बाहर कहीं नहीं जाने देता है। का जो कोड है वो ओपन सोर्स है, किसी प्राइवेट कंपनी के हाथ में नहीं है। तो इसीलिए प्राइवेसी की जो अगर बात की जाती है तो सिंगल ऐप जो है वन ऑफ द बेस्ट है।
अब बात करते हैं टेलीग्राम की, तो टेलीग्राम पर भी आप इस सारे छोटे मोटे जो फीचर्स हैं वो आपको सभी मिल जाते हैं वहाँ पर भी, लेकिन वहाँ पर भी आपकी जो चैट है वो इनक्रिप्टेड नहीं रह पाती, टू एंड इनक्रिप्टेड चैट नहीं होती है टेलीग्राम के अंदर। लेकिन आपकी एक चीज़ ज़रूर है कि जहाँ आप टेलीग्राम पर अगर कोई ग्रुप बनाते हैं, कोई चैनल्स बनाते हैं, जैसे हम कह सकते हैं चैनल बनाते हैं, तो वहाँ आप 2 लाख लोगों को एक बार में ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर जब बात की जाए व्हाट्सएप की, तो वहाँ आप केवल भाई 256 लोगों को ऐड कर सकते हैं। और अगर बात की जाए किसी फाइल को सेंड करने की या फिर डेटा को सेंड करने की, तो टेलीग्राम पर आप 1.5 GB तक की किसी भी फाइल्स को सेंड कर सकते हैं, चाहे वो एप्लीकेशन हो, चाहे कोई वीडियो कॉल हो, वीडियो फाइल हो, या फिर कोई भी फाइल्स हो सकती है। वहीं बात की जाए व्हाट्सएप की, तो व्हाट्सएप पे आप ये सब नहीं कर सकते, केवल 16 MB की आप वीडियोस वगैरह या फिर डॉक्यूमेंट वगैरह की जो फाइल्स है वो सेंड कर सकते हैं। और आपकी जो डॉक्यूमेंट फाइल है वो आप 100 MB तक की सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। इस वीडियो को देखने के बाद आप ये समझ गए होंगे कि आपको सिंगल ऐप यूज करना चाहिए या फिर टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप। सबसे पहली चीज़ है कि अगर प्राइवेसी के माहौल से देखा जाए तो सिंगल ऐप जो है वन ऑफ द मोस्ट है आपके चैट के लिए या फिर किसी भी आपकी प्राइवेसी पॉलिसीज़ के लिए अगर देखें तो। और दूसरी चीज़ है ये एकदम से ओपन सोर्स है, अगर इसमें कुछ भी ऐसा होता है जो लगता है लोगों को कि इसमें ये वल्नरेबिलिटी है या फिर इसमें ये बग है, तो उसको ओपन सोर्स होने के कारण उसे तुरंत ही ठीक कर दिया जाता है। एप्लीकेशन यूज करना चाहेंगे, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।